सो दोस्त नमस्कार, स्वागत है आपका अकेले एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। और आज के वीडियो में फ्रेंड्स, मैं आपको कक्षा 9 का जो अर्धवार्षिक का मॉडल पेपर फ्रेंड्स 2021 इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। इसे पूर्णांक 100 का है, इसमें आपको किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा और इसमें पूछा गया सभी प्रश्न को करना अनिवार्य है। पहला प्रश्न, निम्नलिखित बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जो 5 नंबर का है, ठीक है। ये बहुविकल्पी 5 क्वेश्चन है, एक एक नंबर के। तो ये पहला है, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे? तो ये जो थे ब्राह्मण पत्रिका के संपादक, ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र जी। उसके बाद 2 नंबर का वाला है, गोदान उपन्यास किसकी रचना है? तो गोदान उपन्यास आप लोगों को पता ही होगा, प्रेमचंद जी का है। 3 नंबर राइट आंसर, यानी कि 2 नंबर आपको मिल चुका है। उसके बाद फ्रेंड्स है आपका गे वाला, हिंदी को स्वर्ण काल किस काल को कहा जाता है? तो हिंदी को स्वर्ण काल भक्ति काल को ही कहा जाता है, ठीक है, भक्ति काल वाला राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स है गे वाला, आदिकाल की रचना है, आदिकाल की कौन सी रचना है? तो आदिकाल की जो रचना है आपका, आदिकाल की रचना नहीं है, यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो ये जो है बीजक है, बीजक जो है आदिकाल की रचना नहीं है, बाकी सभी आदिकाल की रचना है। तो फ्रेंड्स आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो। अंगना वाला है, कबीरदास किस शाखा के कवि थे? तो कबीरदास फ्रेंड्स 4 ऑप्शन दिया गया है, ज्ञानाश्रय, प्रेमाश्रय, प्रेमाश्रय शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा। तो ये जो थे ज्ञानाश्रय शाखा के थे। अब आता है आपका प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, ठीक है। ये 10 नंबर का आपका रहेगा, यहाँ पर 5 नंबर आपका हो गया। अब जो इसका आपको गद्यांश संदर्भ सहित व्याख्या करना है 10 नंबर, ठीक है, इसको पढ़ना है और ये पता करना है कि ये जो है किस अध्याय का और इसके लेखक कौन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसमें से लिखना है, इसका संदर्भ सहित व्याख्या करना है, यह किस अध्याय का, इसका लेखक कौन है। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित प्रश्नों का पद्यांश में काव्य संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, ठीक है। यहाँ पर भी यह पद्यांश है, यह गद्यांश था, तो पद्यांश में भी वही सेम 10 नंबर का है। आपको इसमें भी ये चीज़ पढ़ना है पूरा और आपको पता हो जाएगा, अगर आप किताब पढ़ेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि ये किस अध्याय का है और इसके लेखक कौन है। तो ये दोनों तो आपके फाइनल हो गए, यानी कि आपको गद्यांश और पद्यांश दोनों तैयार करना होगा। 4 नंबर है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए, ठीक है, उनकी रचना लिखना है। तो यहाँ पर दिया गया प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमचंद, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीनों में से किसी एक का आपको लिखना है, ठीक है। तो आई भी आपका 10 नंबर का है, ठीक है, तीनों में से किसी एक का लिख देना है आपको। और उसके बाद है पीटीओ, पीटीओ का मतलब है आपका कि प्लीज टर्न ओवर, ठीक है, यानी कि इसको पीछे पलटे, तो पीछे दिया गया है और भी प्रश्न है। उसको फ्रेंड्स ये है 5 नंबर, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, कबीरदास का या फिर मीराबाई या फिर रहीम, तीनों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए आपको 10 नंबर, ठीक है, मिल जाएगा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, 10 नंबर का ये भी है। पहला है, केवल बात के कारण ही मनुष्य सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, तथ्य को लेखक किस प्रकार के सिद्ध किया है? इस तथ्य को किस प्रकार से सिद्ध किया है कि बात के कारण मनुष्य सर्वश्रेष्ठ माना गया है, इसका आंसर लिखना है आपको। केवला है, भगवान बड़ा करसाज है, इस वाक्य का भाव स्पष्ट कीजिए, ठीक है, इस वाक्य का भाव स्पष्ट करना है। और कबीर के अनुसार जीवन में गुरु के महत्व को स्पष्ट कीजिए, इसका आंसर भी ढूंढना है आपको। उसके बाद मीरा भगवान के किस रूप को अपने कथनों में वासना चाहती है, ठीक है। रहीम के अनुसार सच्चे एवं झूठे मित्र की क्या पहचान होती है, ये भी आपको लिखना है, यानी कि 5ों में लिखना है, 2-2 नंबर की ये 5ों क्वेश्चन है, यहाँ तक ही हो गया। उसके बाद है 7 नंबर, सिंगार अथवा वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, यानी कि सिंगार हो या फिर वीर, दोनों में से किसी एक का परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है आपको।
नंबर 8 है चौपाई अथवा दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सही लिखिए। चौपाई या फिर दोहा दोनों में से किसी एक का लिखना है आपको। उसके बाद 9 नंबर है अनुप्रास अथवा यमक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। दोनों में से अनुप्रास या फिर अलंकार किसी का भी लिख सकते हो, यमक या फिर अनुप्रास का। 10 नंबर है तदर्थम तथा तद्भव शब्द के दो उदाहरण लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर है निम्नलिखित शब्दों का विलोम शब्द भी लिखना है। तद्धम तद्भव के यानी कि एक शुद्ध एक अशुद्ध, यानी कि आपको दोनों लिखना है, तो ये भी आपको ध्यान दे दीजिए तद्धम तथा तद्भव का। उसके बाद निम्नलिखित शब्दों का विलोम शब्द लिखिए। अथ अज्ञ अक्षर अभिज अभिज्ञ अपेक्षा 5 है, पांचों का विलोम शब्द लिखना है। 11 नंबर रेफरेंस निम्नलिखित तो शब्दों का पर्यायवाची शब्द लिखिए। अमृत असुर अतिथि आँख कमल, यहाँ पर जो है 5 का है, पांचों का आपको पर्यायवाची लिखना है। ये 4 नंबर का है। ठीक है, 12 नंबर है निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश पद्यांश पर हिंदी में अनुवाद करिए। ठीक है, ये संस्कृत का है, जैसे कि वहाँ पर मैंने गद्यांश पद्यांश की तरह ही ये भी संस्कृत में आपको अनुवाद करना है। इसका भी इसको आपको पढ़ना होगा और इसमें लिखना है किस अध्याय का है और इसके जो है व्याख्या भी करना है आपको। 13 नंबर में है आपका निम्नलिखित संस्कृत प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। संस्कृत प्रश्न है, इसका उत्तर भी संस्कृत में लिखना है। 5 है, 10 नंबर का, 2-2 नंबर। ठीक है, पांचों को कर लेना है। 14 नंबर है दीनदयाल एकांकी का सारांश अथवा क्या बोलते हैं पन्ना अध्याय या माँ का चरित्रण कीजिए। 5 नंबर का है, कम से कम आपको 80 से 90 शब्दों में लिखना होगा। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको ये जो पेपर मॉडल होगा अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना।